सुलेख खान है, मैं कुरड़ा छावनी का ही रहने वाला हूँ। हाँ जी, जिस वक्त खेरवाड़ा के अंदर एक मेवाड़ भेलकोर ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइम कायम की गई, उस वक्त यहाँ पे कुरड़ा तहसील के अंदर कुछ ऐसी सूचनाएं मिली अंग्रेजों को कि यहाँ पे डकैती वगैरह बहुत हो रही है, तो उन्होंने उस मेवाड़ भेलकोर को आदि करके कुटड़ा के अंदर छावनी बनाई और इस वजह से इस गांव का नाम कुटड़ा छावनी पड़ा। ओके, ठीक है। और आज भी ये कुटड़ा छावनी के नाम से जाना जाता है। उस वक्त आदि जब गवर्नमेंट यहाँ बनी तो उस वक्त मेवाड़ भेलकोर को यहाँ बनाया गया, लेकिन जब मेवाड़ ब्रिटिश गवर्नमेंट जब यहाँ से गई उस वक्त ये जितने भी इनके क्वार्टर्स वगैरह थे जी, जो आज भी किसी को रिपेयर कर दिया गया है तो वो तो ठीक है जी, लेकिन जो गिर गए हैं वो भी आज खंडरी हालत में है। तो ज़्यादातर ये जो मकान है ये किसी पशु चिकित्सालय के पास है, CID वालों के पास है, आयुर्वेदिक भवन वालों के पास है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे जो नर्सरी बनाई थी वो आज फॉरेस्ट वालों के पास है, चाहे गेस्ट हाउस बना हुआ है वहाँ पर भी रहते हैं। वो जो गेस्ट हाउस जो था जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग आके ठहरते थे वो गेस्ट हाउस आज PWD के पास है। और जो पहले जिसमें स्कूल चलती थी आज भी आधी स्कूल उन्हीं क्वार्टरों में चल रही है जी। और आधी के अंदर कोर्ट चल रहा है, मुंसिफ कोर्ट है जो यहाँ पे वो चल रहा है। फुटबॉल ग्राउंड जो था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट गाँव वालों वर्सेज मेवाड़ भेलकोर के साथ में फुटबॉल मैच कराया करती थी वो स्कूल को दे दिया गया है। जिसकी कंडीशन स्कूल आज की तारीख में ऐसी बिगाड़ दी है कि जिसकी कोई बयान करना मुश्किल है। बाकी जो प्रॉपर्टी है मेवाड़ भेलकोर की वो आज भी पुलिस थाने के पास है, लेकिन उसमें से 3 लाइनें ऐसी हैं जो आज खंडर की हालत में, एक दो मकान सलामत है जिसमें पुलिस वाले रहते हैं। ओके, पुराना थाना था वो गिरा दिया गया है, उसकी जगह नया थाना बन गया है। बाकी थोड़ी बिल्डिंग जो है वो अच्छी हालत में है, तो आधी स्कूल के पास है और आधी पुलिस वालों के पास है। तो ये एक अवशेष है जो उस वक्त के हालात बयान करते हैं। अब स्थिति विपरीत है, पहले काला पानी था समझे, आज काला पानी नहीं है। और काला पानी इसी वजह से था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इसी वजह से आधी छावनी को ट्रांसफर की थी। तो जैसा कि यहाँ पर जो मेवाड़ भेलकोर थे तो वो क्या करते थे? मेवाड़ भेलकोर का काम ये था कि जो पुलिस लाइन का सपोर्ट करती थी, और उस वक्त उस पुलिस उसके अंदर मेरे खुद के फादर जिनका नाम अजीज भाई फौजदार के नाम से आज तक इस एरिया में मशहूर है। अच्छा। वो सब इंस्पेक्टर थे। तो जब कहीं दबिश देनी होती या कोई बहुत बड़ा डकैत पकड़ा जाता, क्योंकि उस वक्त एक पाबंदी थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस वक्त पाबंदी थी। अच्छा। कि गुजरात का डकैत अगर राजस्थान का डकैत गुजरात में चला जाए तो वहाँ से ला नहीं सकते, गुजरात उसको सौंपती नहीं थी। तो इस वजह से ये मेवाड़ भेलकोर को रखा गया था कि पहले बाउंड्री को क्रॉस लॉक किया जाए। ओके। और उससे बाद उन डकैतों के ऊपर हमला किया जाए। तो इस ढंग से उस टाइम का काम चलता था समझे। तो ये जो मेवाड़ भेलकोर है वो केवल कोटड़ा तक या फिर कोटड़ा के पहले और भी कुछ ज़्यादा गांव हुआ करते थे या कम थे? नहीं, कोटड़ा के अंदर, कोटड़ा उस वक्त ना तो दो तहसील थी। अच्छा। ना कुछ भी नहीं था, एक पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट का साम्राज्य था और उससे कुछ लोग जो थे जैसे मेरपुर ठिकाना, संजूड़ा ठिकाना, मामेर ठिकाना, पांदरवाड़े ठिकाना, ओके, पोसीना गुजरात में जो उसके ठिकाने, ऐसे उन ठिकानों पर इन्होंने, वो ठिकाने वाले तो वहीं थे और ठिकानों वालों को ये रखते थे, लेकिन वहाँ इन्होंने अपने अपने इंस्पेक्टर से इस टाइप को उनको पाबंद कर दिए थे। तो वो सारा संभालते थे, उसमें कोई तहसील वैसे नहीं है। ओके। और इसके अलावा यहाँ पर जैसा कि कुछ स्थान अभी है या नहीं है अवशेष या खंडर के रूप में या इमारत? एक खंडर के रूप में आपको जैसे जूड़ा का ठिकाना है, नहीं आप कोटड़ा के अंदर, कोटड़ा के अंदर तो जैसे आज पशु चिकित्सालय है, जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। थाने की पुलिस लाइन की जितनी भी इमारतें हैं वो जर्जर हालत में है बहुत। वो उस समय की बनी है या अभी बनी है? उस वक्त बनी है। और जब भी मैं CLG का मेंबर भी हूँ
तो मैंने आईजी डीआईजी हमने पूरे गांव ने मांग रखी कि पुलिस वाले बहुत परेशान हालत में रहते हैं, या नए क्वार्टर बनाया जाए। तो एक दो चार पांच बना है, लेकिन अभी भी आज भी पुलिस वाले उसी हालत में उसी में रह रहे हैं। कुछ जर्जर हो गई है, कुछ अच्छी स्थिति में। अच्छा, मैंने सुना है कि कोई तालाब भी बनाया गया है एमबीएस एमबीबी। नहीं नहीं, तालाब तो ऐसा कोई है ही नहीं, छोटे मोटे एनिकट्स बनाए होंगे उन्होंने, जैसे बुरे वाला तालाब था टूट टूटा के खंजर हो गया। बाकी आज तो यहाँ पर आज के हालत में पुराना तालाब तो कोई है नहीं। संजय, ये जो अभी बने हैं जोगीगढ़ तालाब है, संजय मामेर का है, बक्सा नाका है, उस समय बनाए थे? नहीं, उस टाइम नहीं बनाए, ये भी बनाए, अभी बनाए हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या कोई एक भूरे वाले का छोटा सा तालाब बनाया था, लेकिन वो भी एक इतना था कि मुश्किल से उसमें दो महीने तीन महीने पानी था। तालाब तो कोई बनाया ही, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तालाब यहाँ नहीं बनाया। वो तो सिर्फ गुजरात बॉर्डर होने की वजह से, ये गुजरात बॉर्डर होने की वजह से डकैत इधर से उधर चले जाते थे, इसलिए मेवाड़ भीलकोर की स्थापना करके इसको कोटड़ा छावनी बनाया गया। अच्छा, और आज भी नदी के उस पार गुजरात है, नदी के इस पार राजस्थान है। तो कोटड़ा का जो कहलाता है एरिया, ये कोटड़ा छावनी है, और गुजरात के पास जो बना हुआ है वो चौकी है, आज भी अवशेष उसके पड़े हुए, उसको कोटड़ा गढ़ी कहते हैं। अच्छा, वहाँ पर कौन सी जगह पर अवशेष है कोटड़ा गढ़ी में? ये कोटड़ा गढ़ी नदी के उस पार, नदी के उस पार। अब उसमें पहले पुलिस रहती थी, अब वो पुलिस वहाँ नहीं रहती है, नीचे रहती है, वो खाली अवशेष पड़े हुए। मीन्स पुराने अवशेष है या? हाँ, पुराने अवशेष है, बाउंड्री है बड़ी। एक गढ़ी का मतलब होता है गढ़। अच्छा, गुजरात में उसको बोलते हैं गढ़ी, अपने यहाँ जैसे सज्जनगढ़ है, ये जगह से गढ़ है उसको गढ़ी कहते थे। जो छोटी महल ना बना के, सज्जनगढ़ जैसा ना बना के, छोटा बनाया था उसको गढ़ी कहती गुजरात। अच्छा, तो ये कौन सी साइड में है? ये बडली जो रास्ता जाता है उस तरफ? नहीं, यहाँ से जो रास्ता जाता है गुजरात होके अहमदाबाद रोड मेन। अच्छा, उस रोड पे ही है, राजस्थान बॉर्डर पे ही। ये पुल से पहले या? ये पुल के उस पार, पुल के उस पार, पुल के उस पार फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट ऑफिस के बाद बगरी पे बना हुआ। अच्छा, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।